कक्षा 10 विज्ञान में पाठ नंबर 16 प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित प्रबंधन के अंदर जंगलों एवं उसमें रहने वाले प्राणियों के संरक्षण के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कि शेर, चीता, हाथी जैसे प्राणी जंगलों के अंदर रहते हैं, जिनके कारण उनमें जैविक विविधता पाई जाती है। इन जैविक विविधता को परंपरागत अनुसार वनों के संरक्षण का प्रयास करते रहे हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के विश्नोई समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। भारत सरकार ने पिछले दिनों जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार की व्यवस्था की है। ये पुरस्कार अमृता देवी विश्नोई के स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजाराली गांव में खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान किया था। इस प्रकार से उन्होंने जंगलों के संरक्षण का महत्व समझाया। अब हम कोयला और पेट्रोलियम के विषय में चर्चा करेंगे। कोयला और पेट्रोलियम ये जीवाश्म ईंधन है और इनका दिन प्रतिदिन उपयोग बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक क्रांति के समय के बाद ऊर्जा की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे दैनिक जीवन की ऊर्जा की आपूर्ति तथा जीवन उपयोगी पदार्थ के उत्पादन हेतु ऊर्जा संबंधित ये आवश्यक हमें कोयला एवं पेट्रोल से प्राप्त होती है। पेट्रोल और कोयले को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जिसमें पूर्व जीव की जैव मात्रा के विघटन होने से प्राप्त होते हैं और इनका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि बनने में इनको लाखों वर्ष लग जाते हैं। हम कितनी भी सावधानी पूर्वक इनका उपयोग करें, लेकिन फिर भी ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे। हमारे पेट्रोलियम के संसाधन लगभग अगले 40 वर्षों में तथा कोयला अगले 200 वर्ष तक ही उपलब्ध रहेगा। पेट्रोलियम एवं कोयले की खपत के विषय में हम विचार करते हैं तो ऊर्जा के अन्य स्रोत के विषय में भी विचार का एकमात्र आधार नहीं है, क्योंकि कोयले के अंदर पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनता है, जिसमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं। और ये ईंधन को जलाने से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं, परंतु कम मात्रा में ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें विषैली है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस ग्रीन हाउस गैस है। पेट्रोलियम एवं कोयले का विचार करने पर एक अन्य दृष्टिकोण यह भी है कि ये कार्बन के विशाल भंडार है। यदि इनकी संपूर्ण मात्रा का कार्बन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाएगा तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही अधिक हो जाएगी, जिसके कारण तीव्रता से वैश्विक ऊष्मा बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए इन संसाधनों का विवेकपूर्वक उपयोग करना चाहिए। उसके लिए जो है कुछ लाभ बताए गए हैं। पहला, बस में यात्रा, अपना वाहन प्रयोग में लाना अथवा पैदल या साइकिल से चलना। दूसरा, अपने घर में बल्ब या फ्लोरेसेंट ट्यूब का प्रयोग करना, लिफ्ट का प्रयोग करना अथवा सीढ़ी का उपयोग करना, सर्दी के अतिरिक्त स्वेटर पहनना अथवा हीटर या सीढ़ी का प्रयोग करना। यातायात के साधनों में मुख्य रूप से आंतरिक दहन इंजन का उपयोग होता है। आजकल अनुसंधान इस विषय पर केंद्रित है कि इनमें ईंधन का पूर्ण रूप से दहन सुनिश्चित किया जा सके, जिससे कि इनकी क्षमता भी बढ़े तथा वायु में प्रदूषण भी कम किया जा सके।